हेलो एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम ऑल इंडिया ईवी एंड इस वक्त मैं हूँ मिस्टर अंकित आहूजा के साथ फ्रॉम लूबी। हेलो सर, आई एम गुड, आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग सर। सो सर, प्लीज़ लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू आर ब्रिंगिंग टू द मार्केट, प्लीज़। बेसिकली आई एम फ्रॉम द लूबी ईवी सॉल्यूशंस और वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स एंड दिस इज़ अ अहमदाबाद बेस्ड कंपनी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द चार्जर्स फॉर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एज वेल एज द फोर व्हीलर and fast chargers and slow chargers both. So how do you see this particular market of EV chargers evolving, because there are multiple solutions, charging solutions and home based chargers are also there, so how do you see this market evolving? As far as I am concerned, mere ko lagta hai ki agle 2 saal mein bahut acha revolution aane wala hai automobile sector mein, kyunki automobile sector jo hai backbone hai Indian economy ki. तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आने वाला है। ऑफ कोर्स जब तक ईवी चार्जिंग स्टेशन का पूरा नेटवर्क नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ऑफ कोर्स ये तो थे। सो व्हेन डू यू थिंक दैट ये जो ईवी चार्जर्स का जो नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टायर टू टायर थ्री सिटीज तक कब पहुँच सकता है? विद इन 18 to 24 months टीयर टू सिटीज़ में तो पहुँच ही जाएगा और टीयर थ्री सिटीज़ का फिर भी 3 साल लग जाएंगे, लेकिन टीयर वन सिटीज़ की बात करें तो बहुत ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टाइम एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ईवी इंडस्ट्री और तेजी से ग्रो करें। थैंक यू।